नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बीते दिनों एक विवादित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हरियाणा के लोग भी कश्मीरी बहू ला सकेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारे मंत्री ओपी धनखड़ कहते थे वे बिहार से बहू लाएंगे। आजकल लोग कह रहे हैं कि कश्मीर का रास्ता साफ हो गया है, अब हम कश्मीर से लड़कियां लाएंगे। सीएम मनोहर लाल के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने इन पर जमकर निशाना साधा। वहीं अब सीएम मनोहर लाल ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पहले इस तरह की बातें होती थी। चलिए आपको वो दोनों ही बयान सुनाते हैं। मैंने बहुत बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा था, मेरा कहना नहीं है। बहुत लोगों ने चर्चाएं इधर से चलाई, हम लोगों ने सबने मीडिया में देखा। मैं कश्मीर की जो हमारी लड़कियां, उनको मैं बेटी के समान मानता हूँ। हमारी बेटियां हैं, मेरा कोई उसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा विषय नहीं है कि कोई किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करना है। ये तो बड़ा सहज तरीके से, हमारी सेक्स रेशो बढ़ी है, अच्छी हुई है। जब सेक्स रेशो अच्छी नहीं थी, तरह तरह की बातें चलती थी, तो उस तरह की बातों को विराम देने के लिए बल्कि मैंने कहा है कि हमारे लिए हर देश की बेटी, नहीं नहीं देश की हर बेटी हमारी बेटी है। भैया आईडीपी चेक कर ले रही है, कोई गलत टिप्पणी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे नियमों को सख्त और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अधिक जुर्माने का प्रस्ताव दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा होगी। इस बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व में राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए सिंह को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया है। इसी के साथ एक संक्षिप्त अंतराल के बाद सिंह का राज्यसभा फिर से पहुंचना लगभग तय हो गया है। सूत्रों का कहना है कि सिंह आगामी 13 अगस्त को जयपुर पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। सिंह कुछ समय पहले राजस्थान विधानसभा में विधायकों के कार्यक्रम में समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत 5 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े जाने का दावा किया है। हिमाचल बीजेपी को उपाध्यक्ष राजीव भद्वाज ने इसे लक्ष्य से 3 गुना बताया है और ये आशा व्यक्त किया है कि संख्या 6 लाख के पार जाएगी। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष ने पार्टी के अंदर कुछ नेताओं के मनमुटाव को छोटी बात बताया है और इसे विपक्ष की बौखलाहट कहा है। हर मतदाता जो जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, वो लोग अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। इसके नाते जो हमें टारगेट दिया गया था प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर की ओर से, उस टारगेट से हम 3 गुना आगे बढ़ चुके हैं, पर मुझे लगता है कि अभी भी हम उससे भी आगे जाएंगे। तो ये रिस्पॉन्स है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने का। भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक है, सब एकजुट हैं, सब एक परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा किसी को मनमुटाव होता है तो उसको एकदम से हम सुलझा लेते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस के विरोध किए जाने और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट कर केंद्र सरकार पर की गई टिप्पणी से नाराज अयोध्या के संतों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। संतों ने कांग्रेस सहित जिन विरोधी दलों ने धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया है उन सभी को देश विरोधी करार देते हुए इनका सामूहिक बहिष्कार करने की बात कही है और पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। 370 और 35 ए को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो हटाया, इसमें राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके विरोध जताया, इसलिए आज हमने जो है इनका पुतला दहन करके और समस्त देशवासियों को हमने ये मैं बताना चाहता हूँ कि देश विरोधी राजनीति अब खत्म होनी चाहिए। अब देश विरोधी नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब हमारा अखंड हो गया है, एक हो गया है। कश्मीर में हमारा पैसा जाता था और पाकिस्तान का वो जयकार लगाते थे, हिंदुस्तान की वहाँ विरोध की साजिश रची जाती थी, आतंकवादियों का अड्डा बन चुका था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो काम किया है वो पूरे भारत देश के लिए एकता और अखंडता के एक सूत्र। फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।